Hello everybody, welcome to Divinely Guided 777. Here I come with the message of the day. Let's see के आज संडे है तो आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल और कलेक्टिव है. मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए रिफ्लेक्शन है, एंड ऑफ द डे देखी तो रिफ्लेक्शन है, और मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस होगी. ठीक है, तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, तो अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है. मैसेज आपने वही पिक करना है जो आपकी लाइफ से रेजोनेटेड आपको लगे. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो हो सकता है आपसे मिल भी जाए और नहीं भी मिले. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे. सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. The Emperor. And bottom of the deck, the Fool with the Ace of Wands and King of Swords. आपको पास्ट में किसी एक सिचुएशन ने जब एक बड़ा फेम और बड़ा पब्लिक नेम नहीं आ जाता है, जब हर चीज़ की विक्ट्री मिल जाती है, जब लाइफ सेटल हो जाती है, आप अपने करियर की, अपनी लाइफ की, अपनी अपने सेंटिमेंट्स की हर लिहाज से पीक पर होते हैं, तो कोई एक ऐसी हैपनिंग ज़रूर हो जाती है और हुई है जिसने आपको काफ़ी एन्जाइटी दी, और आप किसी के लिए स्टबन हो गए या कोई आपके लिए ज़रा सा स्टबन हो गया. बट नाउ इट लुक्स लाइक कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अर्ज डेवलप हो रही है कि आप उसको कुछ ऑफर करें. कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आए इस इंसान के साथ जिसने आपके साथ टर्म्स बिल्कुल लॉक कर दिए हैं. एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, जो कि उसकी ज़िद एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में है जो कि परेशानी का सबब है. आपके दरमियान कोई ऐसे मैटर ज़रूर हुए जिसकी वजह से ये आप इस इंसान ने ज़िद पकड़ ली. अब आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी में फूल का कार्ड आ रहा है, एरीज, यानी कि आप किसी रिस्क को लेना चाहते हैं. आप दोबारा से कोई एक ऐसी सोच में हैं, एक ऐसी एनर्जी में हैं. समथिंग वेंट रॉन्ग, मुझे पता ही नहीं चला कि ये लॉक हो रहा था और फिर मैंने इसको स्टॉप किया, बट लकीली मैं उस पॉइंट पर थी कि जब आप अपने फ्रेश स्टार्ट की बात थे. तो जो फूल की एनर्जी आपकी आई है, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि इस एडवेंचर को किया जाए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. यानी अब आपका माइंड सेट आज जो है वो इस तरह का है, बिकॉज आप खुद चाह रहे हैं कि ये ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए, ये बैरियर टूट जाए, मैं खुद अपनी तरफ से कुछ ऑफर कर दूँ, मैं इस नाराज़गी को, इसकी ज़िद को ख़त्म कर दूँ. बिकॉज इन दी एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना वो परेशान रहते हैं, रात को ज़रा ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और कुछ है ऐसा मामला. तो ओवरऑल एनर्जी में लीप ऑफ फेथ लेना कि चलो देखते हैं क्या होगा, लेट्स ट्राई, फिर ये नहीं तो फिर रिस्क एडवेंचर करते हैं, या चलो ज़रा तफरी करें, देखते हैं क्या होता है, ज़रा रिस्क देखते हैं, ठीक है ना. और फिर आपको नहीं, आपको आप इस बात की सोच में नहीं है कि आगे क्या होगा, आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, होता है तो हो, नहीं होता है तो ना हो, ठीक है ना. और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है. तो ओवरऑल एनर्जी में मैसेज ऑफ द डे में तो ये है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. विद द एम्परर कार्ड, ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं. अगर आप मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली फादर इन लॉ नहीं होंगे. ये आपका वो पर्सन भी हो सकता है जो कि अब खुद भी वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स था, तो यहाँ पर ये एम्परर है. आपको खुद आज अपनी अना जो है ना वो टूटती हुई महसूस हो रही है. आपकी ज़िद में, आपकी ईगो में ये शेड्स आते हैं. आज आपको बहुत शिद्दत से महसूस होगा कि मुझे जिसकी याद आ रही है ना, मैं ट्राई करूँ, एक दफ़ा तो ट्राई करूँ उसको कॉन्टैक्ट करने की, उससे बात करने की, और अगर मैंने बात की तो पता नहीं मेरी ईगो का क्या होगा, मुझे पलट के ना बोल दिया जाए कि जो है तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी. बिकॉज़ याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है. अब आप डिपेंड करता है कि आपको किसकी याद आ रही है.
जिसकी याद आ रही है वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट रहता है, बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहता है, गायब रह जाता है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना। और ये फीलिंग टेम्पररी है, ये एनर्जी टेम्पररी है। जो परमानेंट चीज़ है वो ये कि आपका किसी के साथ एक ऐसा रिश्ता है, आप छोटे हैं वो बड़ा है, वो छोटे हैं आप बड़े हैं, यानी कोई ऐसा और बहुत ही इनोसेंट सा, बहुत ही प्योर सा किसी के साथ रिश्ता है। लेकिन अभी जो आपकी एम्परर होना, आपकी अथॉरिटी जो है, आपकी ईगो जो है ना, आपकी अथॉरिटी को ट्रिगर करेगी अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, नज़र भी आ रही हैं कि हाँ भाई इस तरह का मामला है, इस तरह की चीज़ है, इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह की सिचुएशन है। तो उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर भी बहुत ज़्यादा पुश फील होगा कि यार मैं बात कर लूँ, मैं किसी तरह कॉन्टैक्ट कर लूँ, मैं उसकी खैर खैरियत पूछूँ, बहुत दिन हो गए, मैं ही इनिशिएट कर लूँ, चलो मैं ही साइड में सब चीज़ें रख दूँ। आपको बहुत ज़्यादा किसी की शिद्दत से याद आ रही है, प्लस ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहता है आपकी लाइफ में, परमानेंसी कोई नहीं है, कोई परमानेंट आपको इसका कोई सेटअप नज़र नहीं आता। एंड विद द एम्परर कार्ड डेफिनेटली ये एज में आपसे बड़ा हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके कोई ऐसे कलीग हो सकते हैं जो एज में बड़े हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या ही एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका थोड़ा इंटरेस्ट रहा है और अब एज इतनी मेच्योर हो चुकी है कि अब इस तरह की एनर्जी में इन एंड आउट और एक पैशन फील करने वाली एनर्जी जो है वो सूट नहीं करती। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स रनिंग एट द बिहाइंड द सीन, बट यू आर रेडी। आज आपकी तरफ से अर्ज बहुत महसूस हो रही है, आज पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ किसी से फ्लर्ट ही कर लूँ, किसी से ऐसी जो है ना वो लाइट हार्टेड एनर्जी में बात करूँ, मुझे आज अच्छा फील करना है। बिकॉज यू आर इन अ क्वाइट अ टाइप ऑफ लो एनर्जी में आप हैं। तो ये वाला मैटर आज आपके मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहे हैं। आज आप कोई ना कोई रिस्क ज़रूर लेंगे, आज आपको हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ कर जाएं जो कि आपको लगे कि अबे यार पहले सोचना चाहिए था, बिकॉज अभी तो आप इस चीज़ के रिस्क लेने में इतने पैशनेट हुए हैं कि आपको लग रहा है देखा जाएगा जो होगा, जो मैंने पहले बात कही थी, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये क्या है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडियक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, लेट्स सी किस ज़ोडियक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून। अगर आपको एंड रिज़ल्ट नहीं पता तो हो सकता है ये जो आज आप लें, आज आप ये जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, ये जो है ना खुद ब खुद ही सेट हो जाए ये सिचुएशन, या तो आपकी एनर्जी है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, या फिर आपको लगेगा कि ठीक है जो भी कुछ मैंने किया अब 3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होना है, या तो 3 हफ्ते हो गए आपकी बस हो गई है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स है, ऐसा लग रहा है कि अब आपकी बर्दाश्त बस हो गई है, बिकॉज 3 हफ्ते से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या 3 दिन से आपकी ये कैफियत है, या ये 3 दिन तक जारी और सारी रहेगी। बट जो भी होगा इट विल वर्क आउट सून, सिचुएशन आपकी सेटल हो जाएगी। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Double one, I am awakening. The universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to who you truly are. यानी कि जो आप adventurous हुए हुए हैं वो खुद ब खुद आपके लिए सूरत हाल यूनिवर्स बना रही है, कुछ लोगों को आपके लिए तैयार कर रही है, कुछ तजुर्बों को आपके लिए तैयार कर रही है ताकि आप सक्सीड कर लें, आपको हेल्प मिले ये जानने के लिए कि आप असल में हैं क्या। मे बी ये जो एम्परर का कार्ड था और किंग ऑफ सोर्ड्स का पीछे कार्ड आया था, आपने अपनी ईगो को बहुत टाइम दिया है और आपको कोई लेसन मिला है, जैसे ये नहीं आ रहा कि टू हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू रियली आर, दैट मींस कि आपने इस डिटैचमेंट में जिसकी भी आपको याद आ रही है, आपने इस फेज में अपने आप को जाना है कि आप किस लेवल के पर्सन हैं। तो आपको रियलाइज़ हुआ है, अवेकनिंग है, किसी बात की आगही हुई है, किसी बात की कुछ उजागर हुआ है आपके ऊपर। तो ये 1111 वैसे भी यूनियन का नंबर होता है, 1111 है ये,
तो 11/11 में अगर आप एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ किसी सिलाए रहमी में किसी के साथ आपकी कता ताल्लुकी हुई हुई थी वहाँ पर आप कुछ करने वाले हैं, तो ये आप कुछ इस वजह से करेंगे बिकॉज़ आपका एक हायर एक्टिवेशन, आपकी सेल्फ एक्टिवेशन का एक स्टेज जो है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये है आपकी आज का आपकी रीडिंग, आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बेस्ट ऑफ लक जो भी आप एडवेंचर करने वाले हैं, जिसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी भी आपको याद आ रही है, आई होप चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली एंड हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम गेटिंग अवेकेंड। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।